العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المويد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والصقر أبي شبير وشبر قاتل مرحب وأنتر فاتح صفين وخيبر والد الريحانتين والمصلي القبلتين والتعين بالرمحين ردت له الشمس المرتين إمام المشرقين سيد الكونين هادي الخافقين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين الإمام بالحق والوصي المطلق قسيم جنة نار مصداق قول رسول المختار لأوتين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب حبه فرض على كل لازم واجب مولانا علي ابن ابي طالب صلوات اما بعد فقط قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صلوات محمد وآل محمد عزیزان محترم و موالیان سید الشہداء و محبان خاندان رسالت آپ کے درمیان یہ آج ہماری دوسری مجلس ہے لیکن آپ حضرات اس عظیم موقع پر یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں کہ جس میں ایک عظیم الشان پاک و پاکیزہ اور مقدس بارگاہ امام کا افتتاح بھی ہوا اور یہ اہل گجرات کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ اگر انسان زیارت سید الشہداء کے لیے جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کی شبیہ کی زیارت کر لے
और ये फरमाने रसूल है कि अगर वो हमारे और हमारी औलादो इतरत के बारगाह तक आने से इंसान कासिर है तो उसकी शबीह बनाकर ज्यारत घर बैठ कर कर ले तो वही सवाब है जो वहां जाने का है। तो जहां पर तमाम मोमिनीन के ताउन से एक अजीम बारगाहे इमाम हुसैन आपके सामने रूनुमा हुई और जैसा कि यहाँ के मोमिनीन ने आपने भी मुशाहिदा किया और ज्यारत की कि जो कैफियत करबला की है कि जो हजरात ज्यारत करने के लिए गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जैसे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के दरमियान एक फासला है उस फासले को यहाँ पर रखा गया है और जैसे वहाँ पर दरमियान में टीले ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा को जो कहा जाता है उसकी जगह पर यहाँ पर शहजादी की बारगाह बनाई गई है। तो आप यहाँ पर तीन तीन ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं और उसके बाद जहां मोमिनीन ने ये इज्तिमा किया तो हर इंसान को ये सोचने का मौका है कि कितना पैसा खर्च हुआ और जब खर्च हुआ तो उस खर्च के सबब हम यहां से कुछ लेके जाएंगे। इसीलिए यहां पर उलमा और खुतबा तशरीफ लाए और कल भी रहबरे इनकलाबी ईरान के नायब जनाब महदी महदवी पुल लाए तशरीफ। उसके बाद यहाँ के अंजुमन और कमेटी ने जो सबसे अजीम कारनामा अंजाम दिया वो जनाब जाफरी साहब की आमद थी। इसलिए कि वो कौम जो हमसे दूर थी वो हमसे अब करीब हो रही है और जब तक कोई कौम हमसे करीब नहीं होगी उस वक्त तक वो हमारी बारगाह इमाम से क्या लेके जाएगा किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो जब चाहे वो किसी भी मसलक का हो किसी भी मजहब का हो किसी भी मिल्लत का हो हम उससे गुजारिश यही करते हैं कि वो आए फर्शे अजा पर तो ये न सोच के जाएं कि यहाँ पर कोई इख्तलाफी बातें होती हैं बल्कि यहाँ पर हर मजहब व मिल्लत को एहतराम दिया जाता है। इसलिए कि हमारे मासूमीन ने कभी किसी मजहब पर कोई कमेंट नहीं किया और ना हमको करना चाहिए बल्कि हमको इस तरह बनना चाहिए कि दूसरी कौमें हमको देखकर रश करें कि ये किसके चाहने वाले हैं। तो जब हमारी तारीफ होगी तो ये हमारी नहीं होगी ये हमारे इमामों की तारीफ होगी। अगर हमारा करैक्टर अवामुन्नास के सामने बेहतर होगा तो ये सवाल उठेगा कि किसके मानने वाले हैं। तो ये वहां पर आपके करैक्टर की तारीफ नहीं होगी आपके रहबरों के करैक्टर की तारीफ होगी। तो मालूम हुआ कि रहबर के किरदार को उसकी उम्मत से पहचाना जाता है। अगर आप बेदीन होंगे गुनहगार बनते जाएंगे राह रवि में मुब्तला हो जाएंगे तो इस पर आपके आइम्मा पर भी दाग लग जाएगा कि जब कौम ऐसी है तो फिर रहबर कैसा होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और वो जो हजरात पीछे तशरीफ फरमा हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं। देखिए अजीजो ये कहने की चीज नहीं है अभी कल ही की बात आपने देखी और मैं नहीं जानता हूं इसके पहले भी मैंने सुना था कि एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
और ना मैं किसी का एक लम्हा वक्त जाया करना चाहता हूँ। अगर मैं एक लम्हा एक मिनट का वक्त बर्बाद करूंगा तो वो एक मिनट का शुमार नहीं है, जितने अफराद हैं उनका एक एक मिनट जो है वो सर्फ हो रहा है। तो कल को लेट किया जाए तो जितने अफराद हैं उतने मिनट को गोया मैंने जाया किया, इसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। तो मैं एक लम्हा किसी का जाया नहीं करना चाहता हूं। तो अभी कल की बात को आप मुशाहिदा कीजिए कि जैसा कि जाफरी साहब आए और आपने मुशाहिदा किया कि उनकी उम्मत कितनी है जो 70,000 60,000-70,000, लेकिन उनकी यूनिटी देखिए कि उनकी एक बात पर वो 70,000 की कौम लब्बैक कह रही है। अब आप अपने को तौलिए और मुशाहिदा कीजिए कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। जो चीजें हमसे कौमें ले हम मजबूर हैं हम उनसे लें, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो हजरात पीछे हैं वो आगे आए, यही हमारी कौम की कमजोरी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए, या तो आप किसी को रहबर न मानिए, कायद न मानिए, पेशवा न मानिए, और अगर मानिए उसको तो उसकी बात पे लब्बैक कहिए। यही वजह है कि दो मकामात ऐसे हैं कि जहां पर कौम से लब्बैक का मुतालबा किया गया है, एक मक्के में दूसरे कर्बला में। जब आप मक्के में हज करने जाएंगे तो वहां पर लब्बैक कहना है, और जब ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जब बढ़ेंगे उनके हरम की तरफ तो वहां पर भी लब्बैक का मुतालबा है। लेकिन फिर आपने कभी सोचा कि आखिर सिर्फ दो मकामात पर लब्बैक का मुतालबा क्यों किया गया? इसलिए कि जब जनाब इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर की तो हुक्म परवरदिगार हुआ कि इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो जब जनाब इब्राहिम को जूदी पे जाके एक सदा बुलंद करते हैं हलुम्मु इलल हज, के हज के लिए आओ, तो ये इब्राहिम की आवाज सिर्फ उस वक्त तक की न थी बल्कि जब तक जहूर ईमान न हो जाए उस वक्त तक वो इब्राहिम की सदा गूंज रही है, जिसके जवाब में हम कहते हैं लब्बैक। तवज्जो फरमाएगा। तो इब्राहिम क्या है? ये जुज़ी इमाम है। तो जुज़ी इमाम के लिए एक वो जब हलुम्मु कह रहा है तो आज पूरी उम्मत जब काबे के लिए जा रही हज करने तो लब्बैक कहती है। इसी तरीके से इमाम हुसैन ने सरजमीन करबला पर हल मिन्ना की सदा बुलंद की थी। तो ये सिर्फ हुसैन की आवाज बुसते करबला तक महदूद नहीं है बल्कि जब तक जहूर इमाम होगा तब तक इमाम की वो सदा गूंज रही है। अब उलमा ने लिखा बल्कि मुफस्सरीन ने लिखा कि जनाब इब्राहिम ने जब ये हलुम्मु की आवाज की बात आई तो कहा परवरदिगार तू तो मुझको हुक्म दे रहा है कि मैं लोगों को हज के लिए बुलाऊं तो यहाँ है कौन? तो आवाज़े कुदरत आती है इब्राहिम तुम बुलाओ आवाज तो दो। तो जब इब्राहिम ने ये हलुम्मु की सदा बुलंद की तो मुफस्सरीन ने लिखा कि इब्राहिम की आवाज मशरिक से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब तक, बल्कि हद ये है कि मर्दों के सुलबों में जो बच्चे थे उन तक और औरतों को औरतों की शिकम में जो बच्चे थे उन तक इब्राहिम की ये आवाज पहुंची थी। तो ये इब्राहिम है जुज़ी इमाम। तो अगर जुज़ी इमाम की आवाज मशरिक से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब, मर्दों के सुलबों तक, औरतों के शिकमों में पलने वाले बच्चे तक पहुंच सकती है तो वो इमाम हुसैन के जो कुल्ली थे अगर हलमिन्ना की सदा बुलंद करे तो पूरी कायनात न पहुंचे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये है अजमत इस लब्बैक की। और दूसरी बात अज़ीज़ाने मोहतरम, कल से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है खुतबात के लिए जिसमें जनाबे अली अकबर का खुतबा जिसकी दरख्वास्त की जा रही है।
लेकिन बशर्ते कि अगर आप की समाअत हमारे हम सफर रही तब। इसलिए कि जैसे एक राइटर जब किताब लिखने बैठता है तो पूरे मफाहीम को जमा करता है, उसके बाद कलम उठाता है, और वो भी जब कलम को उठाता है तो ये नहीं कि एक दो सतर पढ़ने के बाद हजारों किताबों का मुतालिया करता है उसके बाद कलम को उठाता है। ऐसे ही अगर कोई शायर एक शेर को कहता है तो उसके लिए एक मुकदमा तैयार करता है, उसके रदीफ और काफिये की जस्तजू करता है, फिर उन फिक्रों को अपने बेहतर से बेहतर लफ्जों में ढालता है। इसी तरीके से जब एक खतीब खिताबत के लिए आता है तो एक पूरा एक मफहूम लेके बैठता है। तो मालूम हुआ कि कोई भी मैटर, कोई भी मफहूम, कोई भी मसवदा जब पेश करता है इंसान तो गोया उसकी उस पर कितनी मेहनत होती है। आप सिर्फ एक घंटा तसव्वुर करते हैं कि मौलवी ने एक घंटा पढ़ा, खतीब ने एक घंटा बोला, लेकिन वो एक घंटा ना देखिए बल्कि उस एक घंटे की मेहनत देखिए कि उसने उस पर कितना सर्फ किया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो वही चीज मैंने अजीजों आपकी खिदमत में अर्ज की कि अगर आपकी समात बुलंद रही और हमारे हम सफर रही तब तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं भी रास्ता काट के निकल जाता हूं। ये नहीं कि मैं यही पढ़ूंगा तभी जाकिर हूं या खतीब हूं या आलिम हूं, इसकी कोई टेंशन फिक्र नहीं होती। बहरहाल इंशाअल्लाह तो इरशादे बारी अक्दस हो रहा है कि जिसमें अल्लाह पैगंबर की अजमत बता रहा है कि वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, दिन की कसम और रात की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, कहे मेरे रसूल, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे मुरसल, ऐ सबबे तखलीक कायनात, ऐ सबबे तकवीन आलम, ऐ ताहा, ऐ मुज़म्मिल, ऐ मुद्दसिर, मैं दिन की कसम खा के कहता हूँ और मैं रात की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको दिन के किसी हिस्से में या रात के किसी लम्हे में न तनहा छोड़ा और न हम आपसे कभी खफा हुए। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल उला, और ऐ मेरे रसूल ये आपके लिए दुनिया क्या हैसियत रखती है, यहां से बुलंदो बाला मर्तबा आपका आखिरत में होगा। वला सौफा योती का रब्बु का फतरजा, और मैं अल्लाह होकर दिन की कसम और रात की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपको आखिरी लम्हात में इतना अता करूंगा कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। तवज्जो फरमाए, यानी अल्लाह कितनी अजमत दे रहा है, कितना एहतराम दे रहा है अपने इस रसूल को कि मैं आपको जिंदगी के आखिरी लम्हात में इतना अता करूंगा कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। जबकि मैंने जो मुशाहिदा किया और किताबों की वरक गर्दानी की और माशरे को देखा तो हमको यही मिला कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किस तबके का हो, किसी कौम का हो, किसी कबीले का हो, किसी भी जात का हो, हर एक की तमन्ना है, हर एक की आरजू है, हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अल्लाह के पेशे नजर कि मोहम्मद हमसे राजी हो जाए। भाई गौर कर रहे तो दो मसले हो गए कि अब अल्लाह बंदों से कैसे राजी होता है
और मोहम्मद से मोहम्मद अल्लाह से कैसे राजी होते हैं। भाई दुनिया का हर इंसान चाहे किस कबीले का हो, चाहे किस जात का हो, किसी भी मिल्लत का हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो मुबल्लिग हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो दानिश्वर हो, हर एक की आरज़ू है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तवज्जो फरमा रहे, और अल्लाह के पेशे नजर कि मोहम्मद हमसे राजी हो जाए, तो आइए आलम इंसानियत को देखते हैं कि आप जिस पर नजर उठाएंगे उसके यहाँ यही मिलेगा कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मैंने कायनात के पहली फर्द जाते अव्वल को देखा, जनाबे आदम को, कहे आदम रो क्यों रहे हो, कहा रो इसलिए रहा हूँ ताकि अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे नूह से पूछो नौहा क्यों पढ़ रहे हो, कहा नौहा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे इब्राहिम से पूछो कि आखिर नारे नमरूद में क्यों जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे मूसा से पूछो दरिया में रास्ता बनाते क्यों जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे सुलेमान से पूछो कि यासजा में अपना तख्त क्यों सजा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे अय्यूब से पूछो कि ये रोते क्यों जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे यूनुस से पूछो कि शिकमे माही में क्यों चले जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे जकरिया से पूछो आरे से क्यों कटे जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। जनाबे ईसा से पूछो कि ये चौथे आसमान पर क्यों जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। मोहम्मद अरबी से पूछो कि 23 बरस तक कांटों पे क्यों चलते जा रहे हो, कहा अल्लाह राजी हो जाए। तवज्जो फरमाएगा तो आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेके एजाज मेहदी तक हर इंसान की तमन्ना है, आरजू है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो अब हमको कोई तारीख बता दो, कोई वक्त बता दो, कोई टाइम बता दो, कोई हदीस बता दो कि जब आदम रोए हो तो अल्लाह ने कहा हो कहे आदम मैं तुमसे राजी हो गया। नू ने नौहा पढ़ा हो तो नू ने कहा हो कि मैं तुमसे राजी हो गया। तवज्जो फरमाएगा जहां हजरात हैं, देखिए अजीजों हमको वक्त कम मिला है लेकिन कम वक्त में मैं पूरी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हर इंसान की तमन्ना है, आरजू है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो मैं पूरे आलम इस्लाम से सवाल करता हूं कि हमें कोई झूठी सी झूठी रवायत कोई दिखा दे कि जब आदम रोए तो अल्लाह ने कहा मैं तुमसे राजी हो गया। नू ने नौहा पढ़ा हो तो अल्लाह ने कहा मैं तुमसे राजी हो गया। जनाबे इब्राहिम नारे नमरूद में गए हो तो अल्लाह ने कहा हो कि मैं तुमसे राजी हो गया। जनाबे सुलेमान ने फिजा में तक सजाया हो तो अल्लाह ने कहा हो मैं तुमसे राजी हो गया। जनाबे मूसा ने दरिया में रास्ता बनाया हो अल्लाह ने कहा हो मैं तुमसे राजी हो गया। जनाबे यूनुस शिकमे माही में गए हो तो अल्लाह ने कहा हो मैं तुमसे राजी हो गया। जनाबे जकरिया आरे से कटे हो अल्लाह ने कहा हो मैं तुमसे राजी हो गया। मोहम्मद जनाबे ईसा चौथे आसमान पर गए हो अल्लाह ने कहा हो कि मैं तुमसे राजी हो गया। मोहम्मद अरबी 23 बरस तक कांटे पे चले मगर अल्लाह ने कहा हो कि मैं तुमसे राजी हो गया। मुझको कहीं ना मिला, आदम रोते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। नूह नौहा पढ़ते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। इब्राहिम नारे नमरूद में जाते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। जनाबे मूसा दरिया में रास्ता बनाते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। सुलेमान फिजा में तक सजाते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। जनाबे ईसा चौथे आसमान पर जाते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। मोहम्मद अरबी 23 बरस तक कांटों पे चलते रहे मगर अल्लाह राजी न हुआ। लेकिन मोहम्मद अरबी ने अली को मैदान खदीर में हाथ पर उठाकर सिर्फ 3 मरतबा कहा कि मन कुंतो मौला, यानी अली अली का सनद रजा आ गई कि अल योमा अकमल तो लकुम दीना।
دینکم فاتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینا۔ بھائی غور فرمانے کہ سارے نبیوں کی 124,000 نبیوں کی محنت ایک طرف تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ راضی نہ ہوا، لیکن صرف محمد نے 3 مرتبہ علی علی کہا۔ اب اللہ یہ نہیں کہتا کہ محمد میں تم سے راضی ہوا، بلکہ اللہ کہتا ہے آدم میں تم سے بھی راضی ہو گیا، نوح میں تم سے بھی راضی ہو گیا، ابراہیم میں تم سے بھی راضی ہو گیا، زکریہ تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی اگر محمد 3 مرتبہ علی علی کہہ دے تو اللہ سارے نبیوں سے راضی ہو جائے، ہم پوری زندگی علی علی کرتے رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا صوفا یوتی کا رب کا فترزا۔ اے میرے رسول، میں آپ کو آخری لمحات میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بھائی اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کھلے ہوئے میدان میں کر دیا۔ اب مسئلہ ہے کہ محمد اللہ سے کیسے راضی ہوں۔ بھائی بات تو مکمل ہو گئی ہے کہ اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں باتیں بہت سی ہیں جس کو مجھے روکنا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا کہ ہم راضی کس سے ہوں گے؟ بس علی کو ولی مان لو۔ کھلے ہوئے میدان میں اللہ نے کہا، مکے کی بند گلیوں میں نہیں، مدینے کے سربستہ کوچوں میں نہیں، بلکہ کھلے ہوئے میدان میں کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ کو راضی کرنا ہے تو بس علی کو ولی مان لو۔ توجہ فرمائے گا۔ تو اب بندے سے بندہ، بندے سے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کو ولی مانو۔ اب محمد اللہ سے کیسے راضی ہو؟ توجہ فرمائے گا۔ تو اب پیغمبر اسلام 2 برس سے بیت المقدس، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بار بار خیال آ رہا ہے کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ قبلہ بنا دیا جائے۔ اب پیغمبر ہمارا نماز کی حالت میں کیفیت ہے رکوع کی، ادھر جبریل کی آمد، قد نرا تکلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میں تم کو بار بار دیکھ رہا ہوں، یہ عرش کی طرف نظریں اٹھانا اور تمہاری خواہش، تمہاری رضا، تمہاری تمنا کو میں جانتا ہوں کہ تمہاری مرضی یہ ہے، تمہاری خواہش یہ ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، لہذا اسی وقت اپنا رخ موڑ دو۔ توجہ فرمائے، اب اسی وقت رخ موڑ دو۔ تو بھائی معلوم ہوا کہ محمد اللہ سے کیسے راضی ہوئے اور اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوا۔ تو ایک کیفیت ہے نماز کی اور ایک کیفیت ہے، توجہ فرمائے گا، ایک کیفیت ہے غدیر کی۔ بھائی غدیر میں کیا ہوا، نماز میں کیا ہوا؟ بھائی کچھ نہیں، نماز میں کعبہ قبلہ بنا، غدیر میں علی مولا بنا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے
वक्त नहीं है। तमाम शहर हैदरा कर्रार की सेहत व सलामती के लिए बिल अक्स यहाँ जो मोमिन और मोमिनात इस पौरा के रोजे पर जो जो भी हाजत लेकर आए हैं पूरी हाजत होने के लिए और आइंदा साल से पहले तमाम दुनिया के मोमिन मोमिन चार दमासुमिन की ज्यारत करने के लिए सबकी सलामती बिल अक्स मौलाना एजाज मादी साहब की सलामती जाकिरीन चोरा उलमा जो जो भी यहाँ है सबकी सलामती के लिए तारीखी कानोदार हुसैन टेगरी का नारा चाहिए। दोनों हाथों को बुलंद करते हुए एक ही आवाज में नारा हैदरी। मौला सलामत रखे। मैं फिर गुजारिश करूंगा जो हजरात बीच में फासला बना के बैठे हुए हैं बराए करम मेरे ऊपर एहसान करते हुए वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। उसके बाद अल्लाह कह रहा है ये बात गदीर की आ गई ना तो गदीर जो है अहले तशय्यो की सबसे अहम नुक्ते का नाम है। इसलिए अगर गदीर को हटा दिया जाएगा तो शियत खत्म हो जाएगी। अच्छा बाद रवायतों में है कि मौला की विलायत का ऐलान बाद में हुआ नमाज पहले हुई और बाद जगह है कि नमाज पहले हुई विलायत का ऐलान बाद में हुआ। जबकि मेरी नज़र में जो मेरी तहकीक है वो ये है कि विलायत का ऐलान पहले हुआ और नमाज बाद में हुई। जब पैगंबर ने अली की विलायत का ऐलान कर दिया बहुत शार्ट मिसले कि हमको अपने मौजू पे आ जाना है। जब अली की विलायत का पैगंबर ने ऐलान कर दिया तो उसके बाद नमाज का मसला आया। तो हमेशा अजान बिलाल दिया करते थे लेकिन उस दिन जनाबे अबू जर ने अजान कही और जब गुलदस्ते अजान पर अबू जर पहुंचे तो अल्लाह अकबर चार मर्तबा वैसे कहा जैसे कहा करते थे। दो मर्तबा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वैसे कहा जैसे कहा करते थे। दो मर्तबा अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह वैसे कहा जैसे कहा करते थे। अब उसके बाद अबू जर ने कहा कि अशहद वन्ना अलीयन वलीयुल्लाह अब जैसे ही अबू जर ने कहा वैसे सहाबियत की पेशानी पर पसीने आ गए और दौड़े हुए आए और कहा या नबी अल्लाह गजब हो गया। तो नबी ने कहा खैरियत तो है कहा नबी अल्लाह गजब हो गया। नबी ने कहा क्या गजब गजब कर रहे हो कोई सहाबी मर गया कहा या नबी अल्लाह सहाबी तो नहीं मरा। तवज्जो फरमाएगा मैं आपके जहन को आजमाना चाहता हूं इस फिक्रे पर कि रसूल से कहा क्या नबी अल्लाह गजब हो गया। नबी ने कहा क्या कोई सहाबी मर गया कहा नहीं सहाबी तो नहीं मरा। फिर क्या हुआ कहा वो अबू जर ने अजान में अली उन वाली उल्लाह का इजाफा कर दिया। तो नबी ने कहा कम बख्तो अभी हमने बताया और फिर भी तुमने भुला दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा बता दी दो या बस दो मिनट थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि देखिए दुनिया में जब पैगंबर आए तो ऐसा तो है नहीं कि शरीयत के सारे अहकाम एक साथ आ गए हों। थोड़े थोड़े करके आए। नमाज का हुक्म आया नमाज से पहले रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुफलेहु निजात पा जाओगे।
सदा गूंज गई। कुछ दिनों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो निजात हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और कह के मर गया तो वो जन्नत में जाएगा। उसके बाद हुक्म आ गया कि नमाज भी पढ़ो। नमाज के बाद हुक्म आ गया रोजा रखो। फिर आया हज करो। तो मालूम हुआ कि ये काम करते करते आप मर गए तो बेशक जन्नत। फिर रसूल ने कहा कि नहीं जिहाद भी करना होगा। तब अगर आपने सब कुछ किया और जिहाद में ना गए तो काफिर होके मरे। तवज्जो फरमाएगा। और आगे हुक्म पढ़ता रहा तो मालूम हुआ जो कर हुक्म आया उस पर अमल करते गए इस्लाम उतना सख्त होता गया। भाई जैसे जैसे पढ़ रहा वैसे वैसे अहकाम पढ़ रहे हैं। सबसे आखिर में क्या हुक्म आया कि अली को वली मानो। तो भाई अगर अली को वली मान ऐलान से पहले आप मर गए तो बेशक जन्नती। लेकिन अब ऐलान विलायत अली के बाद अगर कोई अली की विलायत को माने बगैर मर जाए तो वो जन्नती नहीं हो सकता। और मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को अली की विलायत से इतनी ही अदावत थी और गैरतदार थे तो विलायत से पहले मर गए होते। अब यहां तक आए हो तो मानना पड़ेगा। तवज्जो फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि ये सबसे अहम मसला है अली को वली मानना। अब इसके बगैर कोई चारा नहीं। कितना बड़ा ही मुफ्ती क्यों ना हो उसको कहना पड़ेगा अब जन्नत में जाना है। उसके बाद अब कुरान कह रहा है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा। कह मेरे रसूल ऐ मेरे पैगंबर जब हमने यतीम पाया बेसहारा पाया बे मददगार पाया तो क्या हमने आपको अपनी आगोश में परवान नहीं चढ़ाया। भाई कितना एहतराम अल्लाह अपने इस रसूल को दे रहा है। तो जितनी अजमत इस रसूल की है उससे कम अजमत अगर आप कलाम इमाम हुसैन को देखें तो अली अकबर की कम नहीं। सिर्फ एक फिक्रा कि जब इमाम हुसैन मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अली अकबर को रुखसत कर रहे थे तो क्या कहा था कि परवरदिगार अब बारगाह तेरे कायनात में बंदों में जो सबसे ज्यादा तेरे रसूल से मुशाबे है उसको मैं मक्तल में भेज रहा हूं। तो बात तो हुसैन की मुकम्मल हो गई थी लेकिन इमाम हुसैन ने तीन फिक्रे और कहे खलकन व खुलकन व मंतकन। इखलाक में तेरे रसूल जैसा विलादत में तेरे रसूल जैसा कलाम में तेरे रसूल जैसा। तवज्जो बढ़ाए यानी जैसे विलादत रसूल की वैसे विलादत अली अकबर की। अब रसूल की विलादत क्या जनाबे आमिना फरमाती हैं कि जब मोहम्मद हमारी आगोश में आए तो रात के अंधेरे में इनके नूर की रोशनी में हम सुइयां तलाश कर लेते थे। तवज्जो फरमाए। अब खुलकन इखलाक मोहम्मद का क्या था तो सहाबा ने कहा जैसे कुरान। तवज्जो फरमाएगा। तो मालूम हुआ अली अकबर का इखलाक क्या है जैसे कुरान। मंतकन यानी जो गुफ्तगु रसूल की वही गुफ्तगु अली अकबर की। रसूल का कलाम क्या कुरान करा वमा यंत को अनिल हवा इन होवा इल्ला वहयुन यूहा। कि हमारा रसूल वो है कि जो कलाम करता ही नहीं बगैर वही के। तो मालूम हुआ क्या अली अकबर जो कलाम करते थे वो वही इलाही के मुताबिक होती थी। तवज्जो फरमाएगा। इसलिए कि इमाम का लफ्ज है कि मंतकन खुलकन व खलकन व मंतकन। तो ये अली अकबर की अजमत। फिर अली अकबर का जब बचपना
नौ साल दस साल का सिन, तो उस वक्त मदीने में दो सखी सबसे ज्यादा मशहूर थे, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएगा, दो सखी, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने जाफर। ये दो शख्सियतें वो थी कि जिनकी सखावत का चर्चा पूरे अरब पर था और इनका मेहमान खाना आधी रात निस शब तक खुला रहता था। जिसकी आरजू, जिसकी तमन्ना, जिसकी ख्वाहिश, जिस चीज की हो, आए और ले जाए। लेकिन वहीं पर जनाबे अली अकबर ने अपने 9-10 साल के सिन में अपने खादिमीन को यह हुक्म दे रखा था कि जब हमारे बाबा हुसैन का मेहमान खाना और हमारे चचा अब्दुल्लाह इब्ने जाफर का मेहमान खाना बंद हो जाए तो मेरे घर के ऊपर एक रोशन मशाल कर दो, एक मशाल को रोशन कर दो। क्यों? ताकि सहरा में, बियाबान में भटका हुआ मुसाफिर इस रोशनी को देखकर समझ जाए कि अब भी कोई करीम जाग रहा है। तवज्जो फरमाओ, कोई करीम जाग रहा है। तो एक आलिम रब्बानी ने इस पर एक तालिका लगाया कि इमाम हुसैन ने अली अकबर को मना न किया कि क्या तुम मुझसे ज्यादा फजीलत रखते हो कि जब मेरा मेहमान खाना बंद होता है तो तुम्हारा खुल जाता है। तो वो खुद लिखते हैं कि इमाम हुसैन का खामोश रहना इस बात की दलील है कि जब तमाम करीमों का दर बंद होता है तो अली अकबर के करम का दर खुल जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। या तो अब रोजे आशूरा जब जनाबे अली अकबर, देखिए खुतबा पहले पढ़ा रजसबाद में, जब रोजे आशूरा अली अकबर अपने खैमे से निकले और 9 लाख कूफी और शामी की तरफ बढ़े, तो जैसे जैसे अली अकबर बढ़ते जाते थे फौज शाम वैसे वैसे पीछे हटती जाती थी और हर एक की जबान पे था अल्लाह अकबर। आपस में सरगोशी हो रही थी कि ये कौन आ रहा है, तो वो शाम ही एक दूसरे से कहते थे, कोई कहता था कि शायद कोई फरिश्ता है जो रूप बदल के आ रहा है, कोई कह रहा था कि शायद यूसुफ है जो पलट आया। तवज्जो फरमा रहे, ये कौन कह रहा है? शामी कह रहे हैं। बस ये आवाज अली अकबर की समाज से टकरा रही थी कि एक बार शहजादे ने अपने घोड़े की लेजाम को खींचा और जब घोड़ा ठहरा तो वहां पर अली अकबर ने खुतबा दिया और घोड़ा भी बेमिसाल कि जिसका नाम था वो काब, और वो काब वो घोड़ा है कि ये जो घोड़े के किसी वसीले से नहीं पैदा हुआ बल्कि ये कुन फयकून की कैफियत में है। इसके लिए हमारे पास तफसील नहीं है, इस टाइम मौका नहीं है, इसलिए कि उसमें हमारे मौजू में नहीं है, वरना पूरा गुफ्तगू मैं इस पर करता कि ये वो घोड़ा है, ये किसी घोड़े की इत्तेसाल का नाम वजूद नहीं है बल्कि कुन फयकून की मंजिल का है। तो उस घोड़े पर कि
کہ جس کا نام ہے عقاب اس پر کون ہے؟ علی اکبر۔ اور 9 لاکھ کی فوج سامنے ہے۔ وہاں پر شہزادے نے خطبہ دیا، تو خطبہ بھی کیا تھا کہ اگر انسان سنتا ہے تو خود بخود وجد میں آتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزو، یہ میری تعریف نہیں ہے، اگر آپ میری تعریف کریں گے تو میری نہیں، یہ اس شہزادے کی ہے، میرا اس میں کچھ نہیں، سب اس شہزادے کا لفظ ہے۔ تو اب چونکہ میں پہلے عربی پڑھ دوں تاکہ ذہن مطمئن ہو جائے، عربی زبان میری نہیں کہ میں اس کو گڑھ لوں گا تراش لوں گا۔ بھائی رسول اللہ پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے خود تراش لیا ہے قرآن کو، اس لیے کہ ان کی عربی زبان تھی۔ تو بھائی میری تو عربی ہے نہیں کہ یہ ذہن میں تصور آ جائے کہ صاحب مولوانا نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، لہذا عربی پڑھوں گا، جو صاحبان عربی ہیں جاننے والے وہ محظوظ ہو لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں گا۔ تو شہزادہ ایک بار گھوڑے کی زین پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے 9 لاکھ کی فوج یزید، وہاں پر کہتے ہیں کہ یا حابیش الشام والکوفہ والخفافیش الظلمت وشبہ شئین بالمیتت واشبہ الخلق بصاحب المعراج والسمیع من نزلت فیہ الآیات المحکمات وتمدہ والزاریات وتوصفہ والمرسلات وتسرع الرکوب والعادیات قد سمیت مکانا قلت تکون ملکا سجا ویوسف رجا ما ملک ملک حاصل الجمال ویاسف یوسف علا فقد حاضل کمال کالا جدی رسول اللہ من تشبہ بقوم فہوا منہم فلم اتشبہ بزین رسول اللہ بل فطرن اللہ شبیحا بنبیہ وسمیعا بولیہ فمحمد یعودکم وعلی یخیفکم آلستم تعلمون ایہا الحمکاء الادیا علی من احجمتم وحال من احدتم وبین الماء والحلتم انیس العارفین قبلۃ روح الامین جلیس رب العالمین فاطم یدم علوی الکرم محمد یوشیم احادی الحمم مشیہ مشیت وقولہ شریعت ونطقہ علم وصمتہ حلم ونومہ عبادت وانفاسہ تلاوت وعقلہ مصحف وفکرہ تفسیر ونفسہ نور وجسدہ تنویر واللیالی ہے تطہیر ایتہا الامت وابنائی الاموات آمال القوالات علا اسفائیل الجمرات حل یخفف العاقل الہوات بعلاج الکمکام فکیف بابنائی اللیب بالممات بغمم الحرمام ولا کیف صدرت آل محمد بصیرت اما بلہیتان تارتن ابی ہے کثیرت۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی بل مل کے بولیے آپ لوگ، علی علی
मौला सबको इस आवाज के साए में सलामत रखे। तो शहजादा फरमाता है कि या हाबीश शाम वल कूफा, कि ओ कूफे के औबाशो, ओ शाम के बदमाशो, ओ रात के चिमगादड़ो, ओ मुर्दार की शबी हो, अशब बहुल खल्क बिसाहिबिल मेराज, अरे तुम सब के सब मुर्दार की शबी हो, हम अहमद मुख्तार की शबी। तो शहजादा फरमा रहा है कि ओ काफिर कूफे के औबाशो, ओ शाम के बदमाशो, ओ रात के चिमगादड़ो, ओ मुर्दार की लाशो, तुम सब के सब मुर्दार हो और हम अहमद मुख्तार की शबी हैं। वस्समीउ मन नज़लत फीहिल आयातिल मुहकमात, के हम नाम हूं उसका, तवज्जो फरमाएगा कौन कह रहा है, शहजादा फरमा रहा है कि हम नाम हूं उसका कि जो खुद आगे आगे चलता है, कुरान की आयतें उसके पीछे पीछे चलती। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वसमीउ नज़लत फीहिल आयातिल मुहकमात वतमदहु वज़्ज़ारियात वतुसिफहु वल मुरसलात वतुसरुर रुकूब वल आदियात। तवज्जो फरमाएगा कि तमाम अंबिया जिसकी सिफत बयान करते हैं, तमाम सवारियां जिसको अंदाज बताती हैं, उसके बाद शहजादा अजीब व गरीब बात कह रहा है कि क्या कह रहा है कि तू से बहु वल मुरसलात तद समय तो मकानन कुल तो तकूनो मालिकन सजा व यूसुफ और रजा मामला का मालिकुन हासिलुल जमाल व यासुफो यूसुफो अला फक्दे हाजल कमाल। कि शहजादा फरमाता है कि हम तुम्हारी सरगोशियों को सुन रहे थे, तुम्हें कोई कह रहा था कि कोई फरिश्ता है जो रूप बदल के आ गया, कोई कह रहा था कि शायद यूसुफ है जो पलट आया, तो शहजादा फरमाता है कि वो फरिश्ता और मेरा हुस्नो जमाल रह गई यूसुफ की बात, तो वो आज तक अपना हाथ मल रहा है कि काश मैं ऐसा होता। सलात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। जनाबे यूसुफ के हुस्न के बारे में तो जानते हैं ना, लेकिन तफसील ना जानते होंगे। अल्लाह के जमाल के 70,000 हिस्से हैं। कितने? 70,000। 70,000 में एक कम 70,000 आले रसूल को दिया है, इसलिए कि अगर अल्लाह चाहता तो बराह रात भेज देता, इसलिए इसने सुलूबों का सहारा लिया कि इन पर पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा डालता रहा। अगर ये अपने पूरे जमाल के साथ आ जाते तो कयामत से पहले कयामत आ जाती। अब एक हिस्सा, तवज्जो फरमाएगा, 70,000 जमाल के एक हिस्से में अल्लाह ने पूरी कायनात में बांटा है। जन्नत कौसर लौ कलम फरिश्ते सूरज चांद कहकशा पानी इंसान, इसमें थोड़ा सा ज्यादा जनाबे यूसुफ को दिया था। तवज्जो में थोड़ा सा ज्यादा, यानी उस 70,000 के एक हिस्से में पूरी कायनात में बांटा और उसमें थोड़ा सा ज्यादा यूसुफ को दिया। हुस्न का आलम यह रहा कि उंगलियां कट गई।
तवज्जो फरमा रहे हैं। और अली अकबर क्या कह रहे हैं कि यूसुफ कब्र में आज तक हाथ मल रहा है कि काश मैं ऐसा होता। तवज्जो फरमा रहे हैं। तब शहजादा फरमाता है कि काला जद्दी रसूलुल्लाह मन तशब्बहा बे कौमिन फहुआ मिनहुम फलम अतशब्बहा बे ज़य्यन रसूलुल्लाह बल फतरनिल्लाहु शबीहन बे नबीही वस्समीयन बे वलीही। तो शहजादा फरमाता है कि मेरे नाना मोहम्मद ने फरमाया कि जो जिस कौम से होता है वो उस कौम की शबीह होता है, जो जिस कौम से होता है वो उस कौम की शबीह होता है। तो मैं इन लिबासों में मोहम्मद की शबीह नहीं हूं। तवज्जो फरमाएगा, मैं इन लिबासों में मोहम्मद की शबीह नहीं हूं बल्कि मैं खिलकत में मोहम्मद हूं और नाम का अली हूं। तवज्जो फरमाएगा, तखलीक में मोहम्मद हूं नाम का अली हूं। मोहम्मद यहूदुकुम व अली युखीबुकुम। अब 9 लाख फौज से कह रहे हैं कि मैं तखलीक में मोहम्मद हूं नाम का अली हूं, इसीलिए मैं मोहम्मद बनकर नसीहत करने आया हूं, अली बनकर मारने आया। मोहम्मद वाले मोहम्मद या मोहतरम। अगला जुमला शहजादा फरमाता है क्या लस्तुम तालमूना अयो हल हम काइल अधिया। अरे ओ किसी के होकर किसी के कहे जाने वालों, तवज्जो फरमाए, यानी तुम हो किसी की औलाद, कहे जाते हो किसी की औलाद। तवज्जो फरमाएगा, शहजादे अली अकबर ने वुसत सहराए करबला पर ये जुमला बोलकर फतवा लिख दिया कि हुसैन का रास्ता रोकने वाला हलाली नहीं होता। एक्सलेंट बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलस्तुम तालमूना अली 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 वहाला मन हत तुम व बैनल माए वल होल तुम। तुमने उसका रास्ता रोक लिया, तुमने उसको अपने घेरे में ले लिया, तुम उसके और पानी के दरमियान में हायल हो गए। तवज्जो फरमा रहे, अब मैं क्या बयान करूं, मेरी क्या हैसियत कि हुसैन क्या है। अब सुनो खुद हुसैन के लहू से हुसैन क्या है। शहजादा फरमाता है कि अनीसुल आरफीन
قبلت روح الامین جلیس رب العالمین, یعنی علی اکبر اب اپنے بابا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ جو ہر عارف کا مونس ہے, یعنی میرا بابا وہ ہے کہ جو ہر عارف کا مونس ہے اور جبریل امین کا قبلہ ہے. بھائی غور فرمائے, یعنی آج تمام کروڑوں اربوں مسلمانوں کے نماز کی حالت میں قبلے کا نام ہے کعبہ اور سید الملائکہ کے کعبے کا نام ہے حسین. تو شاید فرماتا ہے کہ انیس العارفین قبلۃ روح العالمین جلیس رب العالمین, کہ میرا بابا وہ ہے کہ جو اللہ کی ہم مجلس ہے. ہم مجلس سمجھے جیسے ہم آپ یہاں ایک ساتھ بیٹھے ہیں, ویسے علی اکبر کہہ رہے کہ میرا بابا وہاں بیٹھتا ہے جہاں اللہ بیٹھتا ہے. اب آگے تعارف کرا رہے ہیں کہ فاطم یدم علوی الکرم محمد یشم احادی الحمم, میرا بابا وہ ہے کہ جس کے رگوں میں زہرا کا خون دوڑ رہا ہے. میرا بابا وہ ہے کہ جو کرم میں علی ہے. میرا بابا وہ ہے کہ جو خلقت میں محمد ہے. میرا بابا وہ ہے کہ ارادوں میں اللہ ہے. توجہ بھائی, یعنی جو ارادہ اللہ کرتا ہے وہ ارادہ میرا بابا کرتا ہے, جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام میرا بابا کرتا ہے. لیکن میں نے تو ایک منزل پر دیکھا کہ حسین نے وہ کام کیا کہ جو اللہ بھی نہ کر سکا. دیکھو چونکہ میں پروردگار تجھے معافی چاہتا ہوں, بے شک تو قادر مطلق ہے, تیری قدرت کی کوئی انتہا نہیں, مگر چونکہ اس گونگے کے پاس کوئی لفظ نہیں کہنے کے لیے تو مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ حسین نے وہ کیا تو جو اللہ نے نہ کیا. کب؟ جب حسین سرزمین کربلا پر یزیدی فوج پر تیسرا حملہ کیا اور فوج یزید سے الامان الحفیظ کی صدا آ رہی تھی, تو اس وقت آواز قدرت آئی تھی کہ اے حسین بس. ادھر بس کی صدا حسین نے سنی, ادھر ذوالفقار کو نیام میں رکھا, گھوڑے کی گردن پر ٹیکا, پیشانی کو رکھا, سر جھکا کے گھوڑے کی زین پر بیٹھے رہے. جب اس انداز کو قدرت نے دیکھا تو کہا اے میرے حسین, تو نے مجھ سے وہ عشق کیا کہ تیرے بڑوں نے بھی نہ کیا. توجہ فرمانے, کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حسین تو نے مجھ سے وہ عشق کیا کہ تیرے بڑوں نے نہ کیا. تیرے بڑوں نے مجھ سے مانگا مگر ایک تو ہے تو مانگتا کچھ نہیں, بس دیتا جا رہا ہے. توجہ فرمانے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا بسا تم نے مجھ سے وہ عشق کیا کہ تیرے بڑوں نے نہ کیا. انہوں نے مجھ سے مانگا مگر تو مانگتا کچھ نہیں, دیتا چلا جا رہا ہے. حسین مانگ, مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ ایک بار حسین نے سر کو اٹھایا, کہا معبود تو میرا محبوب ہے؟ کہا ہاں ہوں. حسین مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہا پروردگار تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. آباد قدرت آئی کہ حسین
क्या तेरे एहतराम के लिए फरिश्तों को भेज दूं या ये कि तुझको ऐसे उठा लूं? तवज्जो फरमा रहे हैं। एक बार हुसैन ने कहा कि तू है मेरा महबूब, कहा हां, कहा परवरदिगार मिलना चाहता हूं, कहा पता कैसे तुझसे मिलूं, आया तुझको ऐसे उठा लूं या फरिश्तों को भेज दूं? एक बार हुसैन ने कहा कि परवरदिगार मेरी मोहब्बत को नीलाम न कर, मेरी मोहब्बत को नीलाम न कर। कहा क्यों हुसैन, जब तूने मुतालबा किया तो अब भागते पीछे क्यों हो? तो इमाम ने कहा कि परवरदिगार तू कह रहा है कि तू मेरा महबूब है? कहा हां हूं। तो कहा परवरदिगार ये बता तेरा भी कोई महबूब है? देखिए ज़हन में रहे क्या, मैंने वही कहा ना कि हुसैन ने वो किया जो खुदा ना कर सका। तो हुसैन ने कहा परवरदिगार क्या तेरा भी कोई महबूब है? कहा हां हुसैन, तुझसे बेहतर कौन जानता है, तेरा नाना। कहा माबूद ये बता कि क्या तू कभी अपने महबूब से मिला? कहा हां। कहा कब? कहा शबे मेराज। कहा परवरदिगार ये बता कि तू मिलने आया था या तेरा महबूब मिलने गया था? तो कहा नहीं हुसैन, मेरा महबूब मिलने आया था। तब हुसैन ने कहा माबूद तू तो आदिल है ना, तेरा तो बनाया हुआ कानून है ना, जब तेरा कानून यह है कि मुहिब चलकर नहीं जाता महबूब जाता है, तो अगर तू मेरा महबूब है तो आ जा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उसके बाद शहजादा अपने बाबा के तारुफ को और आगे बढ़ा रहा है, फरमा रहा कि मशियहु मशियतुन, मेरा बाबा वो है कि जिसका चलना मशियत है, वकौलहु शरीयतुन, जिसका बोलना शरीयत है, वअक्लहु मुसहफुन, कि जिसकी अक्ल कुरान है, वफिक्रहु तफसीरुन, जिसकी फिक्र तफसीर है, वनौमहु इबादतुन, जिसका सोना इबादत है, वह नफ्सहु नूरुन, जिसका नफ्स नूर है, वह जसदहु तनवीरुन, जिसका जिस नूर गर है, वल्लयाली है तत्हीरुन, जिसकी रातें तत्हीर हैं। तवज्जो फरमा रहे, यानी शहजादा अली अकबर ने तमाम फौज यजीद की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि तुम मुझको अपने जैसा समझते हो कि मेरा बाबा वो है कि जिसकी हर रात तत्हीर है, हर रात तत्हीर है। अरे ओ नापाक रात की नापाक औलादो। उसके बाद अजीजाने मोहतरम शहजादा यही तक पहुंचा था कि एक बार जहन में तसव्वुर आया कि कहीं ये फौजे यजीद ये तो नहीं सोच रही है कि मैं अपने दादा अपने नाना अपने बाबा का तारुफ कराकर इन पे लाज इन पर रोब डाल रहा हूं। बस इतना जहन में आना था कि एक बार शहजादा रहले जीन पर मशला, और जब मशल कर नजरें उठाई तो 9 लाख की फौज अपनी जगह कांप उठी। हर एक समझा कि अली अकबर की नजरें हमारे कलेजे में गड़ गईं। तो जब ये तसव्वुर लिए हुए अली अकबर ने कहा तो अजीब फिक्रा कहा कि अय्यतुहल उम्मतो वबनाइल अमवाते आमालल कव्वालाते अलल असाफीले इदफाइल जमरात, के अरे हो